नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की कुछ अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो काफी सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, फिर आपके जो डेट शीट जारी होगी तब आपके एग्जाम होंगे, तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। अब बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे मेरे से कि सर, क्या जो हमने एग्जाम फॉर्म भरे हुए थे, हमारे एग्जाम चल रहे थे, तो क्या हमें भी दोबारा से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिनके एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं उनको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उनकी सिर्फ और सिर्फ डेट शीट डिक्लेयर की जाएगी। जो एग्जाम फॉर्म भरे जाने हैं वो उन बच्चों के भरे जाने जिनके नहीं भरे गए थे, या जैसे कि हमारे थर्ड जो हमारा थर्ड ईयर के पेपर होने हैं तो उसमें आपका जो सिक्स सेमेस्टर है उसके फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे बीएड है बीएड के फॉर्म नहीं भरे गए तो बीएड के एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो उन कोर्सेज के जिनके एग्जाम फॉर्म नहीं भरे गए थे, सिर्फ उनके एग्जाम फॉर्म भरे जाने हैं। बच्चे नए सत्र के लिए पूछ रहे हैं कि सर, नए सत्र में जो एडमिशन की प्रक्रिया है, तो नए सत्र की एडमिशन की प्रक्रिया के लिए सब सारी चीजें चल रही हैं, उस पे जो है कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि नई शिक्षा नीति को लागू करना है। अब नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जैसे कि आपका जो सिलेबस है वो सब सारा चेंज होगा, उसके साथ साथ जो आपका कोर्स सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है वो भी आपका चेंज होगा। जैसे आप बीए कर रहे हैं तो बीए में आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इन सब सारी चीजों में परिवर्तन होगा। दूसरा, साथ के साथ जैसे हमारे एनुअल कोर्स होते थे जैसे बीए बीएससी बीकॉम, तो अब सभी कोर्सेज को सेमेस्टर मोड में कर दिया गया है। बहुत सारे जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या कर दिया गया है, सेमेस्टर मोड में कर दिया गया है। तीसरा है, अभी तक क्या आती है, परसेंटेज आती है, अभी तक जो हमारी आती है वो परसेंटेज आती है, अब क्या कर दिया जाएगा, अब कर दिया जाएगा आपका जो सीजीपीए दिया जाएगा, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाएगा, सीजीपीए आपके मार्क्स आएंगे। तो अब बहुत सारे परिवर्तन इसमें किए गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा, तो उसके लिए पूरी डिटेल में किस तरीके से आपकी एडमिशन की प्रक्रिया रहेगी, क्या सब सारी चीजें रहेंगी, तो हो सकता है 1 से 2 तारीख में ये सब सारी चीजें डिक्लेयर कर दी जाएं। तो उसके बाद में मैं प्रॉपर आपको वीडियो बनाऊंगा कि इस बार एडमिशन किस तरीके से होंगे, क्या क्या प्रारूप रहेगा, तो सब सारी चीजों के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे वोकेशनल कोर्स भी चलाए जाएंगे, जिसे आपका कंप्यूटर में है, डिजाइनिंग में है, फैशन डिजाइनिंग में है, इंटीरियर में है, और भी बहुत सारे जो हमारे जो जिसे कहते हैं हम जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है वो हमारे चलाए जाएंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाए जाएंगे जो नई शिक्षा नीति के तहत है। उसमें डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूड किए जाएंगे, तो इन सब के बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हम एग्जाम के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, अभी 1 से 2 दिन का समय लगेगा, 2 से 3 दिन का समय लगेगा, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे में आपके एग्जाम के बारे में कंफर्मेशन होगी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कि आपके एग्जाम होंगे। चांसेस यही है, 99% चांसेस मैं कहूंगा कि आपके जो है प्रमोट ही किया जाएगा। तो साथियों, यदि आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको कल वीडियो में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।